इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों टोटल दो शेयर्स के बारे में। पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि सबसे पहले मैं आपको टाटा पावर की अपडेट बताने वाला हूं, जहां पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले शॉर्ट टर्म में टाटा पावर के ऊपर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ यहां पर एक और शेयर्स के बारे में बात करने वाला है, जहां पर कंपनी ने 1:3 के रेशो का जो बोनस अनाउंस किया था, यानी कि हर 3 शेयर के बदले एक शेयर, जहां कंपनी आपको बोनस देने जा रही थी, इसकी रिकॉर्ड डेट 13 मई 2022 थी, लेकिन उस रिकॉर्ड डेट को चेंज कर दिया गया है। तो सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें टाटा पावर के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। रिसेंटली कंपनी ने अपने फाइनेंशियल नंबर्स डिक्लेयर किए, जहां पर टाटा पावर के फाइनेंशियल नंबर्स काफ़ी अच्छे निकल कर आए। कंसोलिडेटेड अगर नंबर्स की बात करें तो जो कंपनी के नेट सेल्स थी उसमें हमें 18% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है। 11,959 करोड़ रुपीज़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट करी है, जो कि काफ़ी शानदार है। अब बात करें कि अडानी पावर से कंपेयर अगर हम टाटा पावर को करें फाइनेंशियल नंबर्स में, तो अडानी पावर्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स का प्रॉफिट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी ने जो लगभग 4,500 करोड़ रुपये का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, वो पूरा एक्सेप्शनल आइटम्स का है, जिसके चलते अडानी पावर हमेशा से हमें थोड़ा सा हाईली रिस्की देखने को मिलता है एज कंपेयर टू टाटा पावर। तो यदि आप टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये शेयर थोड़ा सा हमें लगता है कि यहां पर आप पेशेंस बनाए रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म का विजन रख सकते हैं। विजन आप अडानी पावर के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको स्टॉप लॉस का और अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 503 करोड़ रुपए का कंपनी ने मार्च क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 28% की जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं एबिटडा मार्जिन परसेंटेज की भी बात करें तो उसमें भी 38% की जंप है। और सबसे खास बात कि टाटा पावर का जो अर्निंग पर शेयर रेशो है EPS है, वो भी इंक्रीज होकर 1.10 से 1.58 पर पहुँच चुका है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट भी कल हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं और टाटा पावर के अंदर भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर भी लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर IRENA की तरफ से जो यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 8 मई 2022 आज ही के दिन ये स्टेटमेंट निकल कर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की तरफ से यहाँ पर इंडिया की जो वर्किंग है, जो यहाँ पर कॉल की शॉर्टेज को लेकर उसके ऊपर जिस प्रकार से इंडिया काम कर रहा है, यानी कि उस कॉल की शॉर्टेज के चलते भी पावर की कंजम्पशंस की डिमांड को फुलफिल कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड को बढ़ा रहा है, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। और यहाँ पर उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर इंडिया को सबसे ज़्यादा फोकस अपनी जो एग्जिस्टिंग स्कीम से उसी के ऊपर करना होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो कि हमें 2030 तक लगभग 450 to 500 गीगावाट की जो देखने को मिलने वाली है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें टाटा पावर का ही देखने को मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर को रिसेंटली इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट भी हाथ लगा है, जिसकी वर्थ लगभग 5,500 करोड़ रुपये की है। कंप्लीट स्टेटमेंट भी यहां पर देख सकते हैं, इंडियाज एफर्ट टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वेयर प्रैक्टिकली मेकिंग इट पॉसिबल टू रिड्यूस द यूज ऑफ कॉल। तो यहां पर ये चीज तो क्लियर है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में कॉल की शॉर्टेज हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है, जिससे हमारी गवर्नमेंट अभी से उस पर वर्क कर रही है कि अपनी जो पावर कंजम्पशन से उसे कॉल से शिफ्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी पर इंडिया को डिपेंडेंट करना चाहती है। और उसी में सबसे ज्यादा बेनिफिट अडानी ग्रीन और टाटा पावर को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो बात करें कि टाटा पावर के अंदर अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है। तो टाटा पावर की हम बात कर रहे थे, तो टाटा पावर ने पिछले एक साल में 124% के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। हाँ, यहाँ पर काफ़ी टाइम हमें शेयर्स एक ही रेंज में ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन ये आपको भी बताया कि जब भी शेयर्स के अंदर ब्रेकआउट बनता है, बड़ा ब्रेकआउट बनता है, तो शेयर्स लगभग 100 से 125 पॉइंट आराम से चल जाता है। यही चीज़ आपको अक्टूबर स्टार्टिंग में भी देखने को मिली थी, जब शेयर समय 100 to 130 रुपीज़ के बीच में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ से एक ब्रेकआउट बना, हमें ये शेयर्स
200 and 250 के बीच में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर भी जैसे ब्रेकआउट बनेगा, अगेन आपको 100 पॉइंट की तेज़ी इस शेयर के अंदर आते हुए देखने को मिल सकती है। पर एक मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट्स की बात करें तो टाटा पावर के अंदर काफ़ी बुलिश कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ अगर हम इसके आरएसआई की भी बात करें तो 75 यानी कि अब हमें आरएसआई भी ओवरबोट जोन में जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जिस प्रकार से निकल कर आए हैं, हमें टाटा पावर के अंदर कल के दिन भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है। तो बात करें कि क्या लेवल्स आपको लेकर चलना है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट 255 रुपये का लेकर चलना है, और अगर फर्स्ट स्टॉप लॉस की बात करें तो 238 रुपये का स्टॉप लॉस आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। सिर्फ कल के लिए ये लेवल्स रहेंगे। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है डॉल्फिन रबर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, 118 रुपये का शेयर, जहां पर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:3 के रेशो का बोनस शेयर अनाउंस किया था, यानी कि हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी आपको बोनस के रूप में देने जा रही थी, जिसकी एक्सडेट पहले 13 मई 2022 रखी गई थी। लेकिन अभी इस एक्स डेट को चेंज कर दिया गया है, कुछ और सफिशियंट टाइम आपको यहां पर प्रोवाइड किया गया है यदि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बोनस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो बात करें कि यहां पर जो रिकॉर्ड डेट को रिवाइज किया गया है, तो नई रिकॉर्ड डेट क्या निकल कर आई है, तो 17 मई 2022 यहां पर नई रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ट्यूजडे का दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो 16 मई 2022 यानी कि मंडे के दिन, नेक्स्ट मंडे के दिन यहां पर हमें एक्स डेट देखने को मिलने वाली है। तो कल से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, इस पूरे वीक में आपके पास समय है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। बात करें कि कंपनी करती क्या है, क्योंकि आपको ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है सिर्फ बोनस शेयर्स को देकर। डॉल्फिन रबर्स इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑटो एंड एनिमल ड्राइवन ट्यूब्स सपोर्टिंग द टायर ट्यूब इंडस्ट्री। तो अल्टीमेटली टायर ट्यूब इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 118 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इस कंपनी की खास बात यह है कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज काफ़ी अच्छा है कंपनी का, और आरओसी और आरओई भी कंपनी काफ़ी अच्छा मेंटेन करते हुए आ रही है। यानी कि अगर आप यहां पर सिर्फ 1 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडी के अगेंस्ट तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहां पर कंपनी बनाकर दे देगी। कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस की भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग्स जो है वो 1.80% से इंक्रीज हुई है दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी लो है, यानी कि सिर्फ 35% का स्टेक प्रमोटर्स के पास में है। लेकिन ओवरऑल अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं आपको कहूँ, तो एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए अगर प्रमोटर्स के पास में 35% का भी स्टेक है तो डिसेंट है, यानी कि आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कंपनी को, वो थोड़ी सी ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। तो ओवरऑल यहां पर कंपनी अच्छी है, लेकिन यहां पर टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कुछ और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।